हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को स्टडीज़ करेंगे। आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू माइनस वन वन। ये तभी ठीक होती है जब एक्स की वैल्यू माइनस वन वन के बीच में लाई करती है। इसी तरह से कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल है एक्स बिलोंग्स टू माइनस, ये इनके डोमेन है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ऐसा ही है। टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स एक्स एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड सो आप इसको कर सकते हैं ऐसे, ये लर्न ही करनी पड़ेगी। एक बार हम इसको देख सकते हैं, जैसे लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये थीटा है, तो बाई डेफिनेशन क्या बन जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ देखें, वही साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब ये है साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है वेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, क्लोज्ड इंटरवल है। इसी तरह से हम बाकी ये दूसरे फंक्शन भी प्रॉपर्टीज भी प्रूव कर सकते हैं। अब इन प्रॉपर्टी बेस्ड मैं तो एग्जांपल लेता हूँ। देखिए साइन कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव है। आप देखिए इनमें से कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है, अगर यहाँ पर साइन होता तो इसको हम एक्स के इक्वल लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ प्रूव करने के लिए आप पुट कर दें कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू थीटा, देन कोस थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव, और आप यहां से साइन की वैल्यू निकाल लें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ट्राइंगल बनाएं, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आप इसकी वैल्यू निकाल लो, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, फोर आ जाएगा, ठीक है। देन साइन थीटा बाई पाइथागोरस कर लेना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स फोर बाई फाइव, ठीक है। हमने साइन थीटा यहाँ साइन कोस इनवर्स ये लिखा था, तो थीटा इसकी जगह थीटा लिख सकते थे, साइन थीटा, तो इट बिकम्स ये साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन साइन इनवर्स फोर बाई फाइव। ओके, साइन इनवर्स साइन इज इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब फोर बाई फाइव, और फोर बाई फाइव बिलोंग्स टू माइनस वन एंड वन, ठीक है। इसका मतलब ये इसका आंसर है, ये ठीक है, इन्हीं के बीच में अप्लाई करता है। इसी तरह से आप सेकेंड एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ भी कोस इनवर्स कोस होना चाहिए, टेंजेंट है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। टेंजेंट इनवर्स थ्री बाई फोर को आप थीटा सपोज करें, तो यह आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, और एक ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये बेस तो बाई पाइथागोरस ये वही फाइव आ जाएगा। देन कोस थीटा विल बी इक्वल टू फोर बाई फाइव, एंड देन थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स फोर बाई फाइव। ओके, क्योंकि जब हम यहाँ थीटा पुट करते हैं तो इट बिकम्स कोस थीटा ही बन जाता है, कोस थीटा, ये नंबर वन है, और नंबर वन इम्प्लाइज कोस कोस इनवर्स फोर बाई फाइव इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स इतना फोर बाई फाइव, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू माइनस वन वन, ठीक है। आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है, अब सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, इससे बिलोंग होनी चाहिए, ये इनके लिए वैलिड होती है, कुछ के लिए नहीं वैलिड होती, तो हमारे जो सिलेबस कह लीजिए, हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग ही करने हैं। ऐसे ही कोस इनवर्स कोस थीटा, सिमिलरली बाकी अदर्स भी आप कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा थीटा हो जाएगा, कोट इनवर्स कोट थीटा थीटा,
ठीक है, और उनके जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उनके में ये लाई करने चाहिए। अब इन्हीं पर बेस्ड, चलो थोड़ा इसको भी आप ऐसे लिख सकते थे इसको प्रूव करने के लिए, यहाँ पर थीटा है तो आप सपोज कर सकते थे लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो बाय डेफिनेशन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। ओके, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स यानी कि साइन थीटा, तो इट बिकम वही हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा मस्ट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। इससे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने इवेल्यूएट करना है यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी है, साइन इनवर्स साइन थीटा और इजिकल टू थीटा, थीटा यहाँ पर आप नोट करें 2π/3 है, क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में यानी कि -π/2 और π/2 में? नहीं, तो इसको आप ऐसा सोल्व कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन, जब तक नहीं होगा तब तक हमें इसको लिखा जा सकता पाई माइनस पाई बाई थ्री अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ओके, तो ये आएगा साइन इनवर्स साइन सेकेंड क्वाड में पाई बाई थ्री हो गया, ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी कि पाई बाई थ्री, और एक्चुअल में माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इस इंटरवल में ही ये लाई करता है, इसलिए ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ये इसको आप देखिए करके, यहाँ भी टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ये भी इसकी ब्रांच में नहीं लाई करता, इसलिए इसको भी पाई माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स इन विच क्वाड्रेंट इट लाई, इट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में नेगेटिव होता है, तो टेंजेंट माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ये माइनस पाई बाई फोर, क्यों? टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास टेंजेंट इनवर्स माइनस वन, पाई बाई फोर की वैल्यू माइनस वन, अगेन माइनस वन कितना होता है पाई बाई फोर, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई फोर विच बिलोंग्स टू इनके डोमेन में माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है ना, तो ये इससे बिलोंग करता है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ है। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी है आपको समझ में आ गई होंगी, और दो दो क्वेश्चन मैंने इनके करवा दिए आपको।